हेलो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, ऊर्जावान हैं, लगातार अपने पैसे का ख्याल रख रहे हैं और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मल्टी बैगर सीरीज, जैसा नाम वैसा काम, तीन काम कर रहे हैं। मल्टी बैगर सीरीज में हम आपको मैराथन की क्लास लेकर आए हैं, 60 वीडियोस की क्लासेस ना, एकदम बैक टू बैक मल्टी बैगर सारे कंपनीज के बारे में, जहां सिंपल सा हमने थ्योरी उठाई है कि भैया 1 रुपए से 10 रुपए, 10 रुपए से 20 रुपए, 20 रुपए से 50 रुपए, 50 रुपए से 100 रुपए और 100 रुपए से 200 रुपए के बीच, और फिर कुछ मिड कैप कंपनीज ऐसी जो कि मार्केट में एक अलग हाइप क्रिएट करके रखती है और मार्केट में इसके बारे में बातचीत हो रही है और हमारे व्यूअर्स कंफ्यूज है कि क्या वो एक ओवरवैल्यूड है या मार्केट में हाइप है या फिर नेक्स्ट मल्टी बैगर है। तो उसके बारे में हम लोग पूरा मल्टी बैगर सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए। इस यात्रा में शामिल हो जाइए, प्यार दीजिए, साथ ही साथ लर्निंग्स पर अपने सबसे ज्यादा काम करिए। चलिए मल्टी बैगर सीरीज में हम लोग बात करते हैं इस कंपनी का और इसका प्राइस देखते हैं कि ये कहां पे आपको स्ट्राइक कर रही है। तो प्राइस, करंट प्राइस क्या है, 104, 100 रुपए के लमसम पे ये ट्रेड कर रही है। इसका हाई जो है 116 है, 116 रुपए पर ये मार्केट की अब तक हाई बना रखी है। जो इसका लो रहा है माई डियर, लो रहा है 32 रुपए। अगर कुछ लोगों के जहन में आता है कि सर सर हमने 32 रुपीज पे एंट्री मारी होती तो आज 116 हो गया होता, मेरा पैसा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया होता, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 116 पे भी तो आपका डिसीजन हो सकता है ना, ऐसा ना हो कि 116 के बाद जब ये 500 रुपीज पर ट्रेड कर रही हो तब फिर आपको लगे ना। तो कई बार आप लोग को लगता है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू एंट्री ना, वो शुभ दिन कब आएगा, तो शुभ दिन आज ही है जो है ना। तो इसलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि करंट प्राइस 104 पर ट्रेड कर रही है माय डियर, हाई और लो आप लोग के सामने बता दिया है। मैराथन की क्लास में ज्वाइन हो जाइए, लोग अभी से जुड़े हुए हैं लोग पीछे की वीडियो आके सारी देख लीजिए। आरओसी और आरओई के बीच में संबंध ठीक है, फेस वैल्यू उन्होंने 10 बना रखा है। मैंने आपको फिर कहा था फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट ओवर वैल्यू, इन सारे कैलकुलेशन में आप लोग फॉर्मूले से ज्यादा ध्यान दीजिए, फंडामेंटली इसको चेक करना आपको बेहतर तरीके से। लेकिन मैं इसके बियॉन्ड कुछ चीजें समझाता हूँ जो कि ज्यादा इजी है, क्यों, क्योंकि कई ऐसे मार्केट प्राइस है ना जो मार्केट कैप बहुत बड़ा है लेकिन उनका बुक वैल्यू फेस वैल्यू बहुत कम है। कुछ ऐसे ना कि मिड कैप कंपनी है, बहुत छोटा है उनका मार्केट कैप है लेकिन उसके बावजूद उनका बुक वैल्यू फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है। ऐसे कुछ टर्म्स में नहीं फंसना है, ठीक है ना, बस हमें ये समझना है जो मैं आप लोगों को लगभग लगभग चीजें समझाते हुए चल रहा हूँ। तो चलिए भैया आपने प्राइस देख लिया, करंट प्राइस 100 रुपए पर चल रही है, हाई 116 रुपए लगा रखी है, लो जो है 32 रुपीज लगा रखी है। नाउ द टर्म ऑफ की कंपनी किस इंडस्ट्री में काम करती है, हम लोग किस कंपनी के बारे में बातचीत कर रहे हैं ना, बहुत बेहतर ये वाली कंपनी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोग को सीट बेल्ट लगा लेना है और फ्लाइट के लिए टेक ऑफ करने के लिए एकदम तैयार हो जाना है, क्यों, क्योंकि बेहतर कंपनी के बारे में चर्चा कर रहा हूं, पर चर्चा कर रहा हूं जिसके बारे में न्यूज में है कि क्या ये नेक्स्ट मल्टी बैगर है। तो हम उसी को समझाने की ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये नेक्स्ट मल्टी बैगर है या मार्केट में ऑपरेशंस की कॉल है या मार्केट में हाइप क्रिएट है या फिर कंपनी फंडामेंटली बड़ी रिच है या कंपनी का फंडा ही मेंटल है ना। तो अब इसी चीज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि कंपनी कहाँ डील करती है, कंपनी कहाँ के लिए डेडिकेटेड है। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं, मार्केट मेकर्स फॉर द एसएमईज आईपीओ, मतलब ये कंपनी क्या करती है, आईपीओ के बारे में काम करती है। मार्केट फैसिलिटेट द लिक्विडेट द एसएमई स्टॉक वाया देयर वे द कोटेस, मतलब आईपीओ के लिए ये लॉन्चिंग आईपीओ को ट्रैक करती है, ठीक है ना। ऑनलाइन ट्रेडिंग, आप लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स को देखते हैं ना, जिरोदा को देखते हैं, आप स्टॉक्स को देखते हैं ना, एंजल वन को देखते हैं, बहुत सारे देखते हैं जो भी आपका ब्रोकरेज फर्म हो, तो यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे ये रिसर्च टेक्निकल टीम है, मतलब ये रिसर्च भी करती है टेक्निकली, आपको समझाती भी है ना, रिसर्च कराती है टेक्निकली, आपको पढ़ाती भी है, ये बड़ा अच्छा काम है इसका। चलिए भैया आगे क्या करती है, पोर्टफोलियो में इसने और क्या एड ऑन कर रखा है, पहले आईपीओ के बारे में बता दिया, मार्केट रिसर्च के बारे में बता दिया और ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में बता दिया, मतलब ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म भी दे देती है, साथ ही साथ अपना एक इंस्टीट्यूशन भी रन कर रही है जहां पर एजुकेशन का भी काम कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम कर रही है, बात समझ आ रहा है, तो इंस्टीट्यूशन के रूप में भी काम कर रही है। साथ ही साथ एल्गो ट्रेडिंग, ये नया शब्द मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है, कई बार आप लोग सुन रहे होंगे एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग ना। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के रूप में भी काम कर रही है,
ना इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के रूप में भी काम कर रही है। तो लमसम आप ये बात तो समझ में आ गया कि ये मनी मार्केट में काम कर रही है, ये स्टॉक मार्केट में काम कर रही है, ये म्यूचुअल फंड में काम कर रही है, ये एडवाइजरी में भी काम कर रही है ना, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टीम रख करके इंस्टीट्यूशन भी रन कर रही है। तो ओवरऑल आपने ही समझ लिया कि ये कहीं ना कहीं एक ब्रोकरेज फॉर्म की बात हम लोग कर रहे हैं। पोर्टफोलियो ठीक इन्होंने मेंटेन किया है, म्यूचुअल फंड भी है, इंडस्ट्री भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, और इंस्टीट्यूशन चलाकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम कर रहे हैं ये भी बेहतर कर रहे हैं। बाकी इनके जितने भी कॉम्पिटिटर है वो भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो इस इंडस्ट्री के लिए कुछ नया लॉन्च कर रहे हैं, इनके स्कीम्स में कुछ डिफरेंशिएशन है, ऐसा नहीं है। जितने भी इनके कॉम्पिटिटर है वो भी यही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं क्या इनके चार्ट एनालिसिस की ना, अभी तक में कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं दिखा है, लेकिन हमने इसको चुनाव क्यों किया है इसको समझना है, तो इसके समझने के लिए हम इनके चार्ट एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। अगर हम चार्ट को देखें तो यहां से लेकर के 2023 तक आप देखिए कि एक वन ईयर का हम लोगों ने लगाया है यहाँ पर, तो वो अंडर 50 रुपीज, जैसे आपने देखा था 32 रुपीज से 50 रुपीज के फ्रेम में ये ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक इसको अच्छा मोमेंटम मिलता है, एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है, और ये अपने बैंड फ्रेम को चेंज करके 90 रुपीज से लेकर 110 रुपीज के बैंड में क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है। तो ये इसका एक साल का चार्ट एनालिसिस है। चार्ट्स में अगर हम लोग देखें तो एक जगह पर ये पूरे रेंज में घूमती रही है, लेकिन उसके बाद अचानक से इसको एक मूव मिला है। ये मूव क्यों मिला है ना, अचानक से इसको एक पॉजिटिव कॉल, पॉजिटिव मोमेंटम क्यों मिली है, इसको अभी हम लोग 1 मिनट बाद डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक एक कदम आगे बढ़ाते चलिए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस। तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ मेरे गुरु मंत्र को मैंने आपको बताया था उसे लिख लीजिए। पहले कंपनी का धंधा चेक कर लीजिए, कंपनी का मॉड्यूल कितना बेहतर मॉड्यूल है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप स्टॉक्स और जीरोधा दोनों सेम इंडस्ट्री में काम कर रही है, दोनों सेम बेहतर कॉम्पिटिटर है, लेकिन वही जीरोधा का देखिए कि वो एक लेस लेवल पर प्रॉफिटेबल होकर के चली गई, और आज भी अपस्टॉक्स अपने प्रॉफिट के लिए प्लस माइनस कर रही है, अपने प्रॉफिट के लिए वो मार्केट से जूझ रही है। वही जीरोधा देखिए, तो इसका मतलब यह है कि सेम इंडस्ट्री में भी दो प्लेयर्स में कौन एक अच्छा भागीदारी ले गया और कौन थोड़ा अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो उसी की वजह से मैंने आपको बोला कि परफॉर्मेंस वाइज चीजें को देखना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको 3 मंत्र क्या दिया, सबसे पहले धंधा देख लीजिए, कंपनी का मॉड्यूल देख लीजिए, फिर बंदा देख लीजिए, कौन उसको ऑपरेट कर रहा है, कौन चला रहा है, फाउंडर में कितना दम है, सीईओ में कितना दम है, प्रमोटर्स में कितना दम है, ठीक है। और तीसरा आप देखिए उनका बुक्स, उनकी बुक्स की रीडिंग करना शुरू करिए, बुक्स को समझिए, बुक्स को खंगालिए, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनकी चार्ट हिस्ट्री क्या है, उनका पैटर्न क्या है, उनका स्टेक क्या है, उनकी प्रमोटर होल्डिंग्स क्या है, उनकी बुक्स वैल्यूज में प्रॉफिट कितना है, उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है। ऐसे जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना तो आपको एक क्लियर साउंड मिलता है और आप कॉन्फिडेंट होते हैं उस कंपनी को ध्यान में रखते हुए। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से कमिट करता हूं कि 1 लाख स्टूडेंट्स जो हमारे इंस्टीट्यूशन का हिस्सा होने वाले हैं उन सबको फिनेंशियली मैं इतना मजबूत बना दूंगा, इतना लिटरेट बना दूंगा, इसी कमिटमेंट इसी डेडिकेटेड के साथ अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का काम हो रहा है, राइट। ये मेरा मिशन विजन है जो मैंने आपको डिस्कशन कर दिया, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस वाइज सेल्स की। तो देखिए सेल्स में इन्होंने 8.42 करोड़ का 2020 में किया, फिर 2021 में अगर हम लोग देखें तो इन्होंने मार्च 2022 मतलब 2020 से लेकर 2021 से लेकर 2022, थोड़ा सा मैं इसको फिगर आउट करता हूँ जिसको आपको समझने में और आसानी हो जाए, ठीक है ना। चलिए तो देखिए 2020 से लेकर 2020-21 तक अगर हम लोग बात करें तो 7.42 करोड़ का, ठीक है ना, 7.42 करोड़ का सेल्स करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम मार्च की बात करें, मार्च 2020-22 की, ठीक है ना, 22 की, तो यहाँ पर 10.41 करोड़ का काम करते हैं। फिर अगर हम लोग मार्च 2023 में करेंगे तो देखिए फिर से लगभग 10 करोड़ का ही काम करते हैं रफली कुछ पॉइंट्स में ना। अब अगर हम यहाँ पे एक्सपेंसेस देखें तो उसी के रिवॉर्ड्स में देखिए
रेशियो तो बिल्कुल सेट करके रखे हैं, मतलब सेल्स एंड एक्सपेंसेस का जो रेशियो है ना वो बिल्कुल ठीक है, कहीं से भी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिल रहा है, हर जगह इन्होंने अपने आप को यहाँ पर ठीक ठाक से मैनेज किया, बहुत अच्छे यहाँ पर आपने इनको ग्रेड दे दिया। फिर उसके बाद पूरा कैलकुलेशन आपके सामने, ऑपरेटिंग ये सब। एक चीज मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कंपनी का डेट होना और कंपनी के ऊपर डेट ना होना एक फैक्टर है, साथ ही साथ अगर कंपनी के ऊपर डेट है तो उसको लेकर के आपको ज्यादा ये नहीं समझना है कि प्रॉफिट कॉन्स में लिखा है कि कंपनी यहां से डेट ऑफ इतने करोड़ रुपीस। हाँ डेट है, ठीक है, कंपनियां डेट लेती हैं ना, लेकिन आपको एज एन इन्वेस्टर, एज ए स्टॉक पिकर क्या समझना है कि भैया कंपनी का एसेट क्या है और कंपनी की लाइबिलिटीज क्या है ना, डेट, और ये तीनों फैक्टर्स को ना एक ट्राइंगल में बना लीजिए कि भैया इनके पास एसेट्स क्या है, इनके पास लाइबिलिटीज क्या है, इसको फिगर आउट कर लीजिए। और अगर कंपनी आपको ठीक ठाक सस्टेनेबल दिख रही है और उसका एसेट्स ज्यादा अच्छा मजबूत है कंपेरिजन देन लाइबिलिटी के, तो अगर उनके ऊपर डेट भी है ना तो आप ये समझ लीजिए कंपनी फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली रिच है, इज इट फाइन। और इस कैलकुलेशन के बाद एक और कैलकुलेशन कर लीजिएगा, स्टॉक होल्डिंग पैटर्न्स में जो है ना प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है, तो बस इस फिगर को लमसम अगर आप देखना सीख गए ना तो फिर मजा आ जाएगा और आप खुद से पिक कर पाएंगे। और जहां पे आपको समस्या आएगी नीचे स्टॉक मार्केट्स की क्लासेस से जुड़ी कोई भी समस्या तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको सेल्स के बारे में बता दिया, मैंने आपको एक्सपेंसेस के बारे में बता दिया। यहाँ पर मैं एक मंत्र हमेशा हर क्लास में देता हूँ, मैंने कहा कि सबसे पहले इनसे पूछिए कि भाई कमाते कितना हो, अर्न क्या करते हो, फिर इनसे पूछिए कि खर्च, भैया खर्च कितना करते हो, फिर इनसे पूछिए कि भैया बचत कितना सेविंग करते हो, फिर इनसे पूछिए कि भैया री इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितना करते हो, फिर इनसे पूछिए कि भैया घर कितना लेके जाते हो प्रॉफिट ना, फिर इनसे पूछिए अगला विजन क्या है भाई आपका, अगला क्या विजन लेकर चल रहे हो, कैसे हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें, और क्या हमारा आपको दावा है कि आप एक हमें अच्छा रिटर्न देंगे, तो अपना विजन मुझे बता दीजिए। तो देखो इतना क्वेश्चन आप उनसे पूछ लीजिए कि भाई आपका सेल्स क्या है, आपका खर्च क्या है, आपका बचत क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका प्रॉफिट बुक कितना हुआ है, और अगला आपका विजन क्या है, क्या अगला काम क्या करने वाले हो, कहाँ कहाँ। तो बस इतना जैसे ही आपने पूछा पिक्चर बहुत ज्यादा हद तक क्लियर हो जाती है। कुछ चीजें पिक्चर स्टोरी के पीछे का हिस्सा है तो उसको लेकर के ये एनालिसिस करना आना चाहिए, जिसके सिर दिखाना पड़ता है, खपाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 1.57 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया और प्रॉफिट में कहीं पर भी इन्होंने नेगेटिव साइन नहीं दिया। तो उसके बाद इन्होंने 1.57 से लेकर के अगर हम सेप्टेम्बर 2023 की बात करें तो 3.16 करोड़ का जो है ना इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट अपने बुक्स में रखा है। इसका मतलब ये कंपनी जो है ना लगातार अपने प्रॉफिट को ना कंसीडर करते हुए चली है, प्रॉफिटेबल रही है। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी ने अपने आप को ना फाइनेंशियली मजबूत रखा है प्रॉफिट दे करके, ठीक। अब अभी हम लोग आगे चलकर डिस्कशन करेंगे कि भैया जो इनका प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर कैसा है और परफॉर्मेंस को हम रिजल्ट से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने ये तो कह दिया कि भाई ये हमारा रन रेट है ना, यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि देखो भाई यहाँ 1.57 था, यहाँ पर 1.66 हुआ, यहाँ 2.33। अब इन्होंने का प्रोजेक्शन और बेहतर, इन्होंने कमिटमेंट किया, इन्होंने डिविडेंड के लिए भी कहा है इन्होंने, तो ऐसे जो कमिटमेंट्स आए हैं और एक्सपोनेंशियली इन्होंने कहा है कि हम अगले सत्र में बहुत बेहतर ग्रो करने वाले हैं, ये हमारा और आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, तो ध्यान खींचने के लिए कुछ कमिटमेंट करेंगे ना जी, कुछ ना कुछ आपको बताएंगे ना, तो वहां पे क्या करने वाले हैं, अपने एसक्यूज में नया क्या लेकर आ रहे हैं इसको समझिए। कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को मल्टीप्लाई करने के लिए ना ये कुछ चीजें ना लेकर आए म्यूचुअल फंड और आईपीओ में, क्या करके हैं, सबसे पहले अपने इंटरफेस को, जो अपने इनका अपने वेबसाइट हो चाहे वो एप्स हो ना, उसको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हुए, बहुत उसको इजी इंटरफेस बनाने की कोशिश की है। इनका कहना है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अक्रॉस मल्टीपल मार्केट सेगमेंट, इनका जितना भी मार्केट में बीएससी एनएससी अदर अदर जगहों पे होते हैं सब जगह पे हमारे भी है, हमारी भी प्रेजेंस है और यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़िए। दूसरा इन्होंने सीमलेस एंड हैसल फ्री ट्रेडिंग और योर एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इन्होंने सीरियसली काम किया है एल्गो ट्रेडिंग पर, तो यहाँ पे ये एजुकेट भी कर रहे हैं लोगों को, ठीक है ना, कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है उससे इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं।
अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेडिंग थ्रू, मतलब ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी, ट्रेड के लिए जैसे अलग अलग देख प्लेटफॉर्म पे आप देखते हैं ना कि लोग आपको ट्रेडिंग को लेकर के क्या होते हैं मैच्योर करते हैं, लर्निंग देते हैं या लेवल्स देते हैं, लाइक दैट लाइक दैट। तो इन्होंने कहा कि हम प्रोफेशनली इस चीज को जो है आपके साथ करें, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत वीडियो में बताया था कि ये आपसे कोशिश करते हैं एजुकेशन करने की भी, अवेयरनेस देने के लिए भी। स्किल बेस्ड स्पेक्ट्रम तैयार कर रखे हैं, तो ओवरऑल मैं ऐसा इनको प्लस पॉइंट नहीं कहूंगा कि नहीं भैया इन्होंने जो है कॉम्पिटिटर के खिलाफ या कॉम्पिटिटर से लड़ने के लिए आगे निकलने के लिए कुछ बहुत बड़ा किया, लेकिन ओवरऑल बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री में बेहतर डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम इनके प्रोस एंड कॉन्स की बात करें कि क्यों मैंने इसको सीरियसली चुना है ना, तो अगर प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो इनके रिजल्ट अच्छे हैं, इनके काम करने का परफॉर्मेंस अच्छा है, इनका कंपनी का मॉड्यूल अच्छा है, कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग से भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें सबसे पहला मुद्दा कि हम लोगों ने इसको चुना क्यों है, तो उसका पहला सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि हम लोगों ने इसको, अगर हम लोग इसको देखें ना, तो हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंटली बात किया है कि ये कंपनी ना, ये बेसिक रीजन था, रिड्यूस्ड डेट फ्री, मतलब इन्होंने क्या किया ना अपने डेट को ना, देखो अपने प्रॉफिट पे काम किया, चाहते तो अपनी बुक्स में प्रॉफिट्स भी दिखा सकते थे ना, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट्स दिखाने के बजाय प्रॉफिट्स को ठीक सस्टेनेबल रखने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, अपने डेट को रिड्यूस्ड किया, अपने कर्ज को कम से कम किया। क्यों? क्योंकि तो जिस कंपनी के पास डेट ऑलमोस्ट फ्री होता है ना, वो कंपनी ना थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए और अपने डिसीजंस लेने के लिए, एक्सपेंशंस करने के लिए फ्री करती है, और उसके पास उड़ने के बोझ कम रहेगा तो ज्यादा अच्छा पाएगी। तो ऑलमोस्ट मैनेज करिए, कंपनी है ऑलमोस्ट डेट फ्री, क्योंकि रिड्यूस कर रही है तो ऑलमोस्ट डेट फ्री माना जा रहा है। एसेट काउंट अच्छे हैं, लायबिलिटीज काउंट कम है, कंपनी के ऊपर डेट जीरो हो रहा है, तो ओवरऑल कंपनी इसलिए बेटर है। कंपनी का अगर हम सीएजीआर वैल्यू देखें ना, तो प्रॉफिट जो है इन्होंने 23.4% के हिसाब से सीएजीआर वैल्यू को काउंट किया, ग्रोथ रेट को लेकर। सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। अगर हम लोग बात करें डेट डेज की, तो डेट डेज देखो बहुत इंपॉर्टेंट था। कई बार हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों को काउंट नहीं कर पाते, तो मैंने आप लोग को यहाँ पे एक चीज सिखाई कि कई बार क्या होता है, एक साइकिल होता है, ठीक है ना। कुछ कंपनियों का ऐसे भी काउंट किया जाता है कि देखो भाई आज तक तो हमें 82 डेज में पैसा हमारा वापस कर रहे थे, अब आपने हमें 60 डेज में पैसा वापस करने देंगे, तो इसका मतलब है साइकिल अच्छी हो गई। जहां वो व्यक्ति 80 दिन में किसी व्यक्ति को पैसा वापस कर रहा था, आज 60 दिन में पैसा वापस करने लग गया, तो इनडायरेक्टली आपको फाइनेंस में समझ में आ रहा है कि उनका बुक मजबूत हो गया, उनके पीछे की जो बुक्स है उसमें मजबूती आ गई, प्रॉफिट में मजबूती आ गई। तो इन्होंने क्या किया, अपना डेट भी रिड्यूस कर लिया, डेट देने के साइकिल को भी कम कर लिया कि नहीं भैया 80 दिन तक इंतजार नहीं करेंगे, 60 दिन में अपना पैसा लो और रफा रफा को मारो, हमें ग्रो करने दो। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत कोई समस्या? तो यहां पर मैं कुछ चीजें आप लोग को हिंट भी करता जाता हूं, और इसको बी, पहला शब्द मैंने आपको कहा बी, ठीक, यहां पर मैंने कहा एन, चलो इसको आप अपने ध्यान में रख लो और स्क्रीनशॉट इसको ले लो। आगे मैं अभी से जुड़ा हुआ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि भैया वो कंपनी का नाम क्या है, बी मैंने बोल दिया, एन मैंने बोल दिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं भाई साहब, प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं, साहब के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो सेल्स पीछे देख चुके परफॉर्मेंस वाइज, एक्सपेंसेस भी देख चुके, अब हम ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं 2012 से लेकर के 2023 तक इन लोगों का प्रॉफिट कैसा रहा है, ओवरऑल नेट प्रॉफिट भी अपने घर लेकर गए हैं, ठीक। यहाँ पे कोई ये बात नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने डेट कैसे रिड्यूस किया है, अपने साइकिल को कैसे रिड्यूस किया है, इनके परफॉर्मेंस में कैसे, इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो को कितना डाइवर्सिफाई किया है ना, इनका विजन कैसा, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कशन नहीं, इसमें सीधा ही होगा कि बेटा कितना पढ़ा है, उसका डेटा क्या कह रहा है, पास हुआ या फेल हुआ ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट सब कुछ टैक्स वैक्स सब हटा करके 0.81 करोड़, फिर उसके बाद लगातार ये 2015 में 1.67 करोड़ पे आ गए, फिर लगातार ये देखिए 2018 में फिर दूसरे तीसरे साल 2.73, जस्ट डबल कह लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप नजदीक में आइए तो 2020-22 रिसेंट ईयर जो आपका पीछे दिया, वहां पर 5 करोड़ के प्रॉफिट में है। फिर 2020-23 में आप देखते हैं कि 7.58 करोड़ में है, इवन 5 से सीधा 7.58। इस वक्त इनका जो टीटीएम है
ट्रेलिंग 12 मंथ्स कह लीजिए या टोटल 12 मंथ्स कह लीजिए, तो यहाँ पे 9.13 करोड़ का इन्होंने एआरआर कर दिया है। एआरआर का मतलब होता है एनुअल रिटर्न रेट। तो एआरआर कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि भाई हमने फर्स्ट क्वार्टर में इतना किया, तो उसके हिसाब से हम नेक्स्ट क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर मतलब फाइनल ईयर तक इसी रन रेट पे भी चले तो हम क्या प्रोजेक्शन देंगे। तो ओवरऑल ने टीटीएम ही कैलकुलेट करके दे दिया कि भैया इस बार राउंड ईयर 9.13 करोड़, इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी ने शुरू से अपने फाइनेंस को ध्यान में रखा है, अपनी बुक्स को स्ट्रॉन्ग करके रखा है ना। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट में बात करते हैं कि चीजों को कैसे इजी कर रहे हैं, कंपनी का मॉड्यूल में आसानी क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ऑनलाइन केवाईसी कर देंगे, मतलब पेपरलेस पूरा काम कर रहे हैं। तो रेनबोड और उनका कॉम्पिटिटर भी पूरा पेपरलेस काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग की बात करें तो इन्होंने वेब ट्रेडिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया है ना, तो वेबसाइट ट्रेडिंग में भी इन्होंने काम किया, ऐप ट्रेडिंग में भी काम किया ना। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कुछ कंपनियां ऐसी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कुछ कंपनियां ऐसी है जो वेब ट्रेडिंग में नहीं काम करती, सीधा ऐप ट्रेडिंग में काम करती है, लेकिन ये दोनों जगह पर अपने आप को इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। एल्गो ट्रेडिंग ये सीरियसली लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और अपने टेक में ये बोल रहे हैं कि हम जो है एल्गो ट्रेडिंग का सबसे ज्यादा फोकस्ड है। म्यूचुअल फंड में ये बहुत ज्यादा सीरियस है, म्यूचुअल फंड में भी अपने आप को एनरोल करके रखे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन भी अपने आप को चला रहे हैं, मतलब लर्निंग्स पे भी काम कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, लेवल्स का भी काम कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं। तो सीधी मैं बात कर रही हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो अदर कंपनीज भी आज की डेट में आप लोगों को छोटे छोटे टर्म्स ट्रेडिंग से सिखाने के लिए छोटे छोटे तरीके से रिसर्च ला करके आपके सामने दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद मार्केट्स, इसलिए मनी मार्केट्स में भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल इन्होंने सब जगह पे अपना अपना काम जो अदर कर रहा है वो ये भी कर रहे हैं। अब कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं वो आपने बुक्स में देख लिया और इनके ट्रेजेक्टरी पाथ में देख लिया है, इसीलिए हमने इसका चुनाव किया हुआ है। अब ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं कि भैया इनका ग्रोथ रेट कैसा रहा है ना, कंपनी कितनी सस्टेनेबल रही है, तो उसको लेकर के देखिए कंपाउंड में देखिए। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ अगर 10 ईयर्स का देखते हैं 17%, 5 ईयर्स का देखते हैं तो 10%, 3 ईयर्स का देखते हैं तो 21%, और टीटीएम की बात करें तो 7%। तो इसका मतलब आप देखिए कि कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखिए तो वहां पर भी इन्होंने टीटीएम में इस बार 48% और लास्ट 3 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 66% कर दिया है। नॉट बैड ना, बहुत अच्छा है। फिर अगर हम यहाँ पर स्टॉक प्राइस की बात करें सीएजीआर में, तो यहाँ पर 1 ईयर में देखिए इन्होंने 201% का, क्योंकि इस बार इन्होंने 9 करोड़ का जो है प्रॉफिट दिया इससे प्रीवियस 2023 में, और एक बार टीटीएम में भी उन्होंने 9 करोड़ दिया है ना, पीछे वाले डेटा दे दिया है, एक बार करेक्शन चेक कर लीजिएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी इन्होंने लगातार बढ़ाई है, बेहतर करी है। 10 ईयर्स में इन्होंने 14% दिया है, 5 ईयर्स में 14%, 3 ईयर्स में 17%, लास्ट ईयर 19%, तो दैट इज मच बेटर, बहुत अच्छा है ना। अब बात करते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की, तो अब यहाँ पर इस चीज को भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये शेयर होल्डर पैटर्न में ना सबसे ज्यादा जो शेयर्स है ना, जो सबसे ज्यादा बना के रखा हुआ है ना अपनी होल्डिंग, वो एक ने बना के रखा हुआ है जिसको कहते हैं राखी, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा राखी, अभी आप पता ही नहीं मुझे फाइनली कि किस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो अगर हम प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग्स में, प्रमोटर होल्डिंग्स अब 53.48% के साथ मार्च 2021 में, फिर उसके बाद 43 से सीधा इन्होंने मार्च 2022 में 58 कर दिया, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 53% था, मार्च 2022 में 58% था। देखो जब भी कभी प्रमोटर ना कभी भी उनकी कंपनी किसी वजह से कोई प्रॉब्लम फेस करती है, कहीं फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम फेस करती है, हर्डल कोई फेस करती है ना, तो जो प्रमोटर होते हैं ना वो अपनी इक्विटी जो है ना वो कभी कभी लोन्स में कर देते हैं, कभी कभी अपनी इक्विटी डायल्यूट करके फंड रेज कर लेते हैं, क्योंकि उनको अपनी कंपनी को चलाना है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, धंधे में दम है तो फिर बंदे में भी दम है, तो बंदा क्या करता है अपनी चीजों को थोड़ा सा प्लेज कर लेता है। तो ऐसा जितना स्ट्रांग जो है ना किसी भी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग्स होती है ना, फाउंडर्स की इक्विटी होती है ना, वो उतना ही ज्यादा डिसीजन मेकर और पावरफुल, और डिसीजन मेकर सबसे इंपॉर्टेंट शब्द होता है ना, क्योंकि वो अपने चीजों को लेकर अपने डिसीजन को लेकर के ना बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है और स्टेप ले सकता है, एग्जीक्यूट करने का जो करेज होता है ना वो इसी से आता है। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, 53% से 58% और लगातार 58% बना के रखे हुए थे, दिसंबर 2023 में 47 है, तो अगर 50% का लमसम है ना तो भी आपको डरने का विषय नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छा कहीं ना कहीं होल्डिंग्स है प्रमोटर्स के। लेकिन अगर हम यही भी पब्लिक की बात कर लेते हैं तो अभी इसमें ना कोई भी एफआईआई ने एंट्री नहीं करी है, अभी डीआईआई ने एंट्री नहीं करी है, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, एफआईआई और डीआईआई ना
कब एग्जिट करते हैं कब एंट्री करते हैं ना, उससे इंपैक्ट तुरंत आ जाता है। तो यहाँ FIIs DIIs ने अभी कोई रुझान इनमें दे दिया है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्रमोटर और पब्लिक, मतलब हम और आप और कंपनी दो लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 46 समथिंग अराउंड DIIs में, तो 53 इनके पास है, था 46%, मतलब पब्लिक का पैसा और कंपनी के प्रमोटर का पैसा, दो लोग मिलकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब लगातार देखिए 46% से यहाँ तक ठीक ठाक स्टोरी चल रही थी, अचानक से पब्लिक ने इस साल इसमें एक अच्छा रुझान दिखा दिया और 52% के साथ पब्लिक इसमें अपना इंटरेस्ट दे रखी है ना, रिटेलर्स ने अपना पैसा लगा रखा है। FIIs और DIIs ऑपरेटर्स का यहाँ पर कोई काम अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि FIIs है नहीं, DIIs है नहीं, कैपिटलिस्ट है नहीं, तो इसका जो उतार चढ़ाव का रेशियो है ना वो अभी थोड़ा सा स्टेबल रहेगा ना और सस्टेनेबल रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, 47% आपके पास प्रोमोटर्स हैं और 52% समथिंग अराउंड ये आपके पास पब्लिक का पैसा है। तो इसका मतलब कंपनी का जो शेयर होल्डर पैटर्न है वो दो लोगों के बीच में स्प्लिट है, एक प्रमोटर के पास है, दूसरा पब्लिक के पास है, और ये दोनों लोग मिलकर के कंपनी को बेहतर लेकर जा रहे हैं। पहला मैंने शब्द दिया था बी, दूसरा शब्द दिया था एम, तीसरा काम है राकेश के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है यहाँ पर ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी एन राठीज, कंपनी का नाम क्या समझ में आया, बी एन राठीज एंड सिक्योरिटीज। आप लोग इसको सर्च कर लीजिए नाम नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में, एक एक व्यक्ति अपना धर्म निभाए लिख करके, मैंने आपको नाम कर दिया बी एन राठी एंड सिक्योरिटीज, ठीक है ना, बी एन राठी एंड सिक्योरिटीज। मैंने इसके बारे में पूरी आपको चर्चा कर दिया, मैंने इसके फंडामेंटल्स के बारे में पूरा आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोगों ने बहुत ईमानदारी से इस मल्टीकलर सीरीज को समझा है, सीखा है, पढ़ा है, और कहीं से कोई कंफ्यूजन आती है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। आप अपना जिज्ञासु स्टूडेंट की तरह आप अपना ध्यान निभाइए, एक जिम्मेदार टीचर की तरह मैं अपना जिम्मेदारी निभाता हूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साइनिंग आउट।